टॉपिक 13.8 नॉइस पॉल्यूशन। जैसे अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स इन एयर प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, क्या क्रिएट करते हैं एयर पोल्यूशन, वैसे ही एक्सेसिव एयर और अनवांटेड साउंड्स प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट के अंदर, वो क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन भी एक टाइप है पोल्यूशन का, है ना। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है, साउंड्स ऑफ व्हीकल। ये तो हमें दिखते ही आए दिन हम देखते हैं कि साउंड्स ऑफ व्हीकल जो पूरे टाइम ट्रैफिक सिग्नल्स पे हॉर्न बजते रहते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं उनकी आवाज़, मशीन्स जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो मशीन्स चलती हैं उनकी आवाज़ और लाउड स्पीकर की आवाज़, ये सब क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। अगर हम अपने हमारे घर की बात करें तो टेलीविज़न, ट्रांसिस्टर, रेडियो, हाई फ्रिक्वेंसी, ये सब क्या क्रिएट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। सम किचन अप्लायंसेस, मिक्सी, जनरली आपने देखा हो मिक्सी मम्मी अगर यूज़ कर रही है, हमारे किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो मैं क्लियरली आवाज़ भी नहीं सुनाई देती कि सामने वाला क्या, तो इससे भी क्या क्रिएट होता है नॉइस पोल्यूशन। अगर हम इसके बाद देखें डेजर्ट कूलर, जो हमारे घर में कूलर चलते हैं, एयर कंडीशनर, जो एसी चल रहे हैं, ये सब भी क्या क्रिएट कर रहे हैं नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन से हमें क्या क्या हार्म है, क्या क्या हार्म है, कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। कौन सी, लैक ऑफ स्लीप, हमें अच्छे से नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पार्शली या फिर कम्प्लीटली हमें क्या सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये सारे सारे क्या है, हेल्थ कॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो किसकी वजह से हो रही है नॉइस पोल्यूशन। अब प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से क्या हो नॉइस पोल्यूशन कम हो। तो नॉइस पोल्यूशन ऑब्वियसली किससे कम होगा, जो इसके सोर्स है, अगर हम सोर्स को मिनिमाइज़ कर देंगे तो नॉइस पोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा कम। तो हमें जितने भी नॉइस क्रिएटिंग डिवाइसेज हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए, हमें एक साइलेंसिंग डिवाइस लगा देना चाहिए। जितने भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे घर में होम अप्लायंसेज है, जो इंडस्ट्रियल मशीन्स है, व्हीकल्स हैं और एयरक्राफ्ट के इंजन है, सबके अंदर में क्या फिट करना चाहिए, एक साइलेंसिंग डिवाइस फिट करना चाहिए। अगर ये सारे के सारे मशीन अप्लायंसेज साउंड क्रिएट कर भी रहे हैं तो ये जो साइलेंसिंग डिवाइस है उसकी आवाज़ को क्या कर देगा, मिनिमाइज़ कर देगा। सेकेंड, नॉइस ऑपरेशन कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। जहाँ पे भी हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, हमें रेजिडेंशियल एरिया से क्या करना चाहिए, दूर रखनी चाहिए। क्यों, फैक्ट्रीज है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स काम करेंगे, जितनी भी मशीन्स काम करेंगे तो क्या साउंड क्रिएट करेंगी। तो हमें जितनी भी मशीनरी, जितना भी हमारा नॉइजी ऑपरेशन जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में हो रहा है, ये सारे के सारे हमें रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया क्या, आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं। ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। ट्रैफिक सिग्नल्स पे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हॉर्न जबरदस्ती बेफालतू में चलते रहते हैं। अब ये पता है कि रेड ट्रैफिक लाइट है तो व्हीकल तो यहाँ पे रुकेगा, तो पीछे वाले क्या करते रहते हैं, हॉर्न देते रहते हैं कि जल्दी चलो, पर कैसे चलेगा, ग्रीन सिग्नल होगा भाई तभी तो चलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो ऑटोमोबाइल्स हॉर्न यूज़ किए जाते हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए। घर के अंदर टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम है शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि भैया हमारे घर में टीवी आ गया, हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम तो बजा रहे बहुत तेज तेज, ऐसा नहीं, हमें लो वॉल्यूम्स पे उनको चलाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्री मस्ट बी प्लांटेड, एफोरेस्टेशन करना चाहिए। कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ के आसपास, पता है यहाँ पे तो नॉइस क्रिएट होगा, तो इंडस्ट्री के आसपास हमें क्या ट्रीज़ उगाने चाहिए, या फिर हमारे रोड की साइड में हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ उगाने चाहिए। इससे क्या करते, ट्रीज़ क्या करते, मिनिमाइज़ करते, अब्जॉर्व कर लेते हैं नॉइस पॉल्यूशन को। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।